हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आज मैं आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब, दो तीन गवर्नमेंट जॉब्स निकली हैं मेरे पास, उसकी जानकारी लेके आया हूं। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स की जानकारी चाहिए डिफरेंट स्टेट्स के लिए, जिन जिनको भी जॉब्स की ज़रूरत है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई कंसल्टेंसी नहीं है, जस्ट हेल्पिंग यू पीपल इन गेटिंग द जॉब इन दिस पेंडेमिक। और कोई पैसा नहीं आपको देना है, आपको जस्ट इसको सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे आपको सारी सारी जॉब्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी शुरू करते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट चल रही है 2020 के लिए, और उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या पोस्ट हैं और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सैलरी रहेगी और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारा का सारा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे यूट्यूब तो शुरू करते हैं आज की सारी जानकारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट के लिए। तो ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो देखें और समझें। तो देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आई हुई है, दिस इज द रिक्वायरमेंट, रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, तो 10th क्लास, 12th क्लास और जो BA पास या BSc ग्रेजुएट्स वगैरह हैं, वो सारे कैंडिडेट इस मेरे वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए जॉब्स हैं ये। तो रिसर्च असिस्टेंट की जरूरत है, पहली एक नंबर एक पोस्ट है यहाँ पे, और सैलरी है 25,000 से लेकर के 30,000 तक। लुधियाना पोस्टिंग होगी आपकी, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की फ्रेंड्स, वो है 16/12/2020, मतलब 16 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप लोगों की। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ द रिसर्च असिस्टेंट इन द सेंट्रल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर पॉलिसी मार्केटिंग रिसर्च अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन फिक्स सैलरी ऑफ 25,000 to 30,000। पोस्ट का नाम रिसर्च असिस्टेंट है, सैलरी मैंने आपको बता दी। क्वालिफिकेशन क्या होगी, BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या आपकी BA भी, BA कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान रखना बस। या फिर इकोनॉमिक्स में आपकी BA होनी चाहिए, या फिर जिन्होंने BSc ऑनर की है इकोनॉमिक्स में। BSc एग्रीकल्चर तो चलो कर ही सकते हैं, BSc इकोनॉमिक्स या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री, BSc एग्रो एग्री मैको, BCom, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, कई बार दिमाग में होता है यार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो BSc एग्रीकल्चर को ही रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने मैंने जैसे कि शेयर किया हुआ है, ये इनमें से कोई भी आपकी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इन तीनों में से किसी में भी है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 60% आपके बैचलर लेवल में, और 65% जो है आपके OCPA, या फिर आपका OCPA होना चाहिए 6.550 आउट ऑफ 10 एट मास्टर लेवल। तो ये परसेंटेज होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन में आपके 60% और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 65%। पंजाबी आपको आनी चाहिए लैंग्वेज एट मैट्रिक लेवल। तो जिनकी पंजाबी नहीं है वो भी वैसे आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बाद में पंजाबी का पेपर दे दो। एप्लीकेशन फीस रहेगी फ्रेंड्स इसमें 200 रुपीज़, और एड्रेस ये है आपके सामने, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च थापर हॉल बिल्डिंग, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो यहाँ पे जो लुधियाना के रहने वाले हैं और जो पंजाब के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ लुधियाना के लिए कैंडिडेट के लिए है, पंजाब के जो भी कैंडिडेट हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन होगी विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो अब अप्लाई आपने कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। द डिजायरस कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन, अब जो क्वालिफिकेशन को कंप्लीटली पूरा करते हैं उनको बैंक ड्राफ्ट बनाना है 200 रुपीज का, इन दी फेवर ऑफ कंट्रोलर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना टू दी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च थापर हॉल बिल्डिंग पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। और ये इनका कोड रहेगा 141004 ऑन एनी वर्किंग डे फ्रॉम 9 to 5 PM बाई 16। मतलब आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको अपीयर होना है बिफोर दी सिलेक्शन कमेटी अलॉन्ग विद, मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ 23/12 को इंटरव्यू होगा यहाँ पे ऑफिस में
तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा 23 दिसंबर 2020 को, और आपको बस इसका आने जाने का कोई किराया नहीं आपको मिलेगा, और ना ही आपको कोई सेपरेटली कोई कॉल आने वाली है। आपने क्या करना है, आपने बैंक ड्राफ्ट बनाना है 200 रुपये का, और आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है यहाँ पे द कंट्रोलर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप पोस्ट भी कर सकते हो, और ये आपके जो है 16 दिसंबर 2020 तक, टिल 16th of December 2020 तक पहुंच जाने चाहिए, और इंटरव्यू होगा 23rd of December 2020 को। अच्छा, आपको कोई भी कॉल नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना, आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसके बाद द अदर इंफॉर्मेशन अपडेट्स इन दी रिस्पेक्ट कैन बी सीन एट, अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप ये वेबसाइट है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, आपको अपनी तसल्ली करनी होती है ना कई बार कि पता नहीं जॉब्स हैं नहीं हैं, फिल तो नहीं हो गई, फेक तो नहीं है, तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है www.pau.edu, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आपको कई बार डेट्स आगे पीछे भी हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपने अपडेट रहना है, ठीक है। वैसे जो डेट्स मैंने आपको बताई ये ऑफिशियल है। तो इसके बाद अब मैं आपको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की दूसरी वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, तो वीडियोस एंड तक देखें और अपने दोस्तों की भी हेल्प करें। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2020 के लिए वैकेंसी चल रही है। तो अब है जूनियर फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसके बारे में अब मैं आपको पूरा बताऊंगा, और ये कंप्लीट देखा करो आप, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और आप आसानी के साथ फिर अप्लाई कर सको। तो फ्रेंड्स, इसमें देखो, पहली बात तो ये देखिए, ऊपर 27 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन आई थी, और जूनियर फील्ड असिस्टेंट की जॉब है लुधियाना में। 10th पास अगर आप हैं या 10th पास से ऊपर हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो बोलते हैं ना कि कई बार मैं तो 10th पास हूँ जी, मैं तो 12th पास हूँ, मेरे लिए तो शायद जॉब गवर्नमेंट में होगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, सबके लिए जॉब्स होती हैं, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो, जानकारी पूरी लेते रहो, तो पता चलता रहे आपको बस। तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जूनियर फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, और एक ही पोस्ट है, सैलरी आपकी इसमें 10,000 के करीब रहेगी यहाँ पे, और लोकेशन आपकी लुधियाना ही रहेगी। इसकी लास्ट डेट जो है ना अप्लाई करने की, वो 8 दिसंबर है, तो इस बात का ध्यान रखें। और क्वालिफिकेशन की डिटेल आपसे अब डिस्कस करता हूँ, जो इसके लिए लास्ट डेट, जैसे मैंने आपको बताया 8 दिसंबर है टू अपियर बिफोर दी सिलेक्शन कमेटी, और 10 तारीख को आपने आपका जो है इंटरव्यू होगा, ये आपकी इंटरव्यू की डेट है 10 तारीख को, 10 दिसंबर को। और कहाँ जाना है आपने, आपने जाना है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, इस डिपार्टमेंट में जाना है, यहाँ आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू होगी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ द जूनियर असिस्टेंट, 9 मतलब ये 10,000 के करीब आपकी जो जॉब है, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी अंडर दी स्कीम। आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ न्यूर अप्रोचेज फॉर द मैनेजमेंट, मतलब ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोस्ट फिल की जा रही है। तो इसके लिए 10th क्लास में आपकी पंजाबी होनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब एज की बात करते हैं, एज लिमिट रहेगी 18 साल से 63 साल तक। अब एड्रेस की बात करते हैं, एड्रेस जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, आपने इस डिपार्टमेंट में जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो फ्रेंड्स, ये सारे पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जो पंजाब का रहने वाला है। तो सिलेक्शन जो है वो रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू के आधार पर ही होगी। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अपने पूरे फॉर्म पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने हैं, एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है 50 रुपये का, ठीक है, इन दी फेवर ऑफ कंट्रोलर PAU लुधियाना, और ऑफिस में जाना है, वहां भी जमा करवा देना है। एप्लीकेंट मस्ट मेंशन हिज हर नेम इन कैपिटल लेटर्स ऑन द बैक साइड ऑफ द बैंक ड्राफ्ट और चेक, दे शुड अपीयर बिफोर द सिलेक्शन कमेटी फॉर इंटरव्यू 10 तारीख को, 10 दिसंबर को 11 बजे ऑफिस में आपने पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए फ्रेंड्स। और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं साथ में लेके जाने हैं, आपको सेपरेटली कोई भी कॉल नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। द सर्विसेज ऑफ द इंक्रूमेंट्स आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, तो ये मतलब रेगुलर नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा ये मौका है अप्लाई करने का फ्रेंड्स। इसके बाद अगली वैकेंसी की बात करते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही। तो देखिए, ये डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं आपके, और ये पोस्ट है अब सीनियर फील्ड
कम लैब हेल्पर की, एक ही पोस्ट है और लगभग 10,500 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। और इनका इनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 10 दिसंबर की। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके लिए 10+2 आपका होना ज़रूरी है विद पंजाबी अप टू मैट्रिक लेवल, ठीक है। और 5 लगभग 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज फील्ड और लैब कोऑर्डिनेटर और जूनियर हेल्पर, या फिर मैट्रिक होनी चाहिए विद पंजाबी विद 8 ईयर्स एक्सपीरियंस एज फील्ड और लैब कोऑर्डिनेटर और जूनियर हेल्पर। मतलब 10th पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने 12वीं पास की है, 12th पास की है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पे द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी असिस्टिंग द कंडक्ट ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, जिसको फील्ड का एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है, ऐसा मतलब डरना नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अप्लाई कीजिए। आप जो आपकी एज है वो 18 साल से 63 साल, 63 ईयर्स तक अगर आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एड्रेस है इसका, इनका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर रोड, लुधियाना। यहाँ जाना है आपने और यहाँ पे अप्लाई करना है। अब सिलेक्शन का आपका प्रोसीजर भी बता देता हूँ मैं आपको। 10 तारीख तो देखो, द डे शुड अपियर बिफोर द सिलेक्शन कमेटी फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द 10/12/2020। मतलब 10 तारीख को ही आपने अप्लाई भी करना है, 10 तारीख को मतलब इंटरव्यू आपका डायरेक्टली, और आपको कोई सेपरेटली कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और आपने अप्लाई कैसे करना है, द डिजायरस कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं या एक्सपीरियंस जैसे मैंने आपको बताया पूरा होता है, तो 50 रुपये का ड्राफ्ट बनाना है आपने। और आपने जाना है लुधियाना के ऑफिस, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे 7/12/2020 तक आपने ये अपने डॉक्यूमेंट्स, उससे पहले भी आप जमा करवा सकते हो, ठीक है। और आपने एप्लीकेंट मस्ट मेंशन हिज हर नेम इन कैपिटल लेटर्स ऑन दी बैक साइड। मतलब जब भी आप बैंक ड्राफ्ट बनाते हो ना, या चेक बनाते हो, तो उसके बैक साइड में आपने अपना नाम जो है कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये आज की जानकारियां थी। तो अगर आपको मेरे वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके जॉब्स की। तो ये वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट जॉब्स हैं आपके लिए, कोई कमीशन वगैरह टेस्ट नहीं होने वाला। तो इसलिए यहाँ पे आप 10th पास, खासकर +2 पास ग्रेजुएट्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जानकारी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं आप मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपको कि आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।